आइए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और बच्चों जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इस सीरीज में हम कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और बच्चों स्पोर्ट मटेरियल देखिए, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है ये, इसमें से आपको सीखना चाहिए और इसमें से प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्या कहता है। फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर बेड। यहाँ पर ये देखिए आप फिगर देख सकते हैं, फ्लोर बेड है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है विद सेमी सर्कुलर एंड्स, जिसके जो एंड पर है वो सेमी सर्कुलर है, ठीक है बच्चों। और ये एनसीईआरटी के में एग्जाम्पल और भी है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आइए करना शुरू करते हैं। यहाँ पर बच्चों मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर हम 51 करने वाले, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन 51, ठीक है बच्चों। एरिया ऑफ फ्लोर बेड, मैं सीधा लिखता हूँ एरिया ऑफ फ्लोर बेड, कैसे होगा बच्चों एरिया फ्लोर बेड। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ये तो बीच सेंटर वाला पार्ट आप देख रहे हैं रेक्टेंगल का है, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, साथ ही प्लस करना है यहां पर एरिया, देखिए यहां पर ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, तो एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल इस तरीके से, ठीक है बच्चों। आइए करना शुरू करते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। तो देखिए यहाँ पर टू सेमी सर्कल का मतलब वन सर्कल बन जाता है, ठीक है। जैसे ये एक सर्कल हम बना रहे हैं, इसमें से अगर ऐसे कर दे तो ये भी सेमी सर्कल हो गया, ये भी, दोनों को ज्वाइन कर दे तो सर्कल बन जाता है, तो पाई आर स्क्वेयर इस तरीके से, ठीक है बच्चों, ये बन गया। तो पाई की जगह पाई ही रखना आप। तो देखिए यहाँ पर लेंथ है हमारी 44 और ब्रेथ है 16, और प्लस पाई की जगह पाई रखना है, और रेडियस हमारी क्या होगी, देखिए रेडियस यहाँ पर ये तो सेमी सर्कल का क्या बन गया, डायमीटर बन गया। तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है, तो हाफ कितना हो जाएगा 8, तो 8 × 8 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। रेडियस जो होगी वो डायमीटर की क्या होती है, हाफ होती है, मीन्स 16 को 2 से कर दे तो 2 8 16 ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आइए करना शुरू करते हैं। 16 4 जा 64 कैरी 6, ठीक है बच्चों। 16 4 जा 64 और 6 7 70 आ गया यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर 8 8 जा 64 और पाई। तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पर बच्चों आप इसमें सेंटीमीटर लिखा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर। ये आपका जो है एरिया हमने फाइंड आउट करना था, वो एरिया फाइंड आउट हो चुका है। तो आपको ये छोटा सा क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें, और इसमें से सीखकर आपको दूसरों को जरूर सिखाना है, खासकर गरीब बच्चों को। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक धन्यवाद।